हेलो डिवान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बज रहे हैं 12:30 और पता नहीं 12 कौन से बोल रहे हैं। मिस्टर तैयार हो गए और इसने आज अपने टी शर्ट और ये जीन्स पहनी और मैं भी हो गई। हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, डुगू का स्कैन है। हेलो कर दो। तो ये अभी सो के उठा है, बड़ी मुश्किल से मैं से रेडी किए। चलो अभी भी नींद आ रही है। पापा की गोदी तो अलग ही प्रकार का ख्याल है। बॉटल चलिए चलते हैं। और 30% में खुलता नहीं है खून आगे जाने के लिए, पूरा फिर से खुलेगा नहीं तो रुकावट आएगी। तो ये कौन से 30% में हम नहीं बता सकते, इसको इसे फॉलो अप कर रखते हैं, साल में एक बार चेक कराना। यदि कुछ नहीं हो रहा है तो हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करना। यदि खुल नहीं रहा है तो उसमें तार डाल के उसको ओपन करना पड़ता है, क्योंकि जैसे फिर बच्चा चलेगा दौड़ेगा तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। हम लोग आ गए हैं और डुगू का स्कैन भी हो गया है और मैंने अभी नहा के आई, लाइक थोड़ी देर पहले मेरे को बाल बाल धोने थे और डुगू यहाँ पे लेटा हुआ है। तो काफी स्ट्रेसफुल डे था, मैं नहीं बोलूंगी कि यार कुछ नहीं होता, काफी स्ट्रेसफुल डे था। जो भी रोना वोना होता है ना मुझे, मैं आज हॉस्पिटल में काफ़ी देर तक रो रही थी यहाँ पर मास्क लगा के, और उसके बाद से मैं घर आई हूँ। फिर मैंने थोड़ा रिलैक्स किया कि इट्स ओके इट्स ओके, बस यही बोलती हूँ मैं, इट्स ओके जो है वो है, उसका कुछ नहीं हो सकता तो आप अपना वो नहीं कर सकते हो। तो मुझे सिर्फ एक स्ट्रांग मदर बनना है अपने बच्चे की, और कुछ भी वो नहीं है मेरा कि उसके अलावा मेरा कुछ वो है। तो मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना था, इसलिए मेरे को एकदम वो हुआ कि मेरे को वहीं पे इतनी ज़ोर से रोना आ रहा था। जब मैं डॉक्टर के कैबिन में थी, डॉक्टर से जब बात हुई है ना, उस टाइम पे काफ़ी सारी ऐसी बातें हो जाती हैं कि आप एज अ पेरेंट और नहीं भी होगे ना तो आप शायद मेरी बात सुन के डर जाओगे। तो वही सब चीज़ें थी और डॉक्टर से ऐसी बात चली थी। तो 1020 केसेज होते हैं एंड अबाउट 50% लोगों को पता होता है, 50% लोगों को एक सर्टन एज में इस चीज़ के बारे में पता चलता है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। डुगू की को एक नमूनिया हुआ था बीच में, उसे कारण उसे का एक्सरे हुआ, डॉक्टर ने थोड़ा सा बोला था और डॉक्टर को होल लगा था, बट दिल में कोई छेद नहीं, बट इट्स लाइक जब बनता है बेबी उसी टाइम पे इसका हार्ट का वो था। तो जब कराया है उनने, हाँ उसका स्कैन है वो बैठ के कराना पड़ा क्योंकि ये लेटने को तैयार नहीं था। आजकल मैं इसे लेटा नहीं सकती बिस्तर पर बिना मतलब कि ये नहीं लेटता है, इसे या तो गोदी में रखो या बैठा के रखो या इसके उस पर रखो तो ये थोड़ा सा सही रहता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने इसे लेटाया था तो ये रोने लगा। दो बार से तो लेट के करवाया था, ये इसका 9 मंथ में होना था और अब जो है डॉक्टर ने इसे दिए है अगले साल अप्रैल की डेट। तो बार बार स्कैन करना भी नहीं सही है ना, बार बार वो टूल आपके बेबी के वहाँ पे लग रहा है। तो उन्हें बोला कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई जो कंडीशन पहले थी वही है, लाइक कुछ भी ऐसा नहीं है कि अभी कुछ करना पड़े। डॉक्टर कह रही थी जो उनने पता नहीं उस टाइम इतने टाइम से बोला ही नहीं कभी ये बातें, जो उनने इस बार बोली और उसे कारण मेरे को लगा। मैं जितनी बार जाती हूँ उतनी बार होके आती हूँ
आप इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते, पता है आपको, आप इस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। कई बार इन प्रेगनेंसी चीज़ें हो जाती है और डॉक्टर से जब बात हुई है ना, तो कभी कभी ट्रेस होता है सोनोग्राफी में, और कभी कभी ट्रेस नहीं होता, चाहे आप कोई भी सोनोग्राफी करा लो। तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट ही हैं और बोल रही थी कि 2 साल से 10 साल के बीच में 30% लोग ऐसे होते हैं, मतलब बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 70% बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं जिनके माँ बाप को 2 से 7-10 साल के बीच में पता चलता है कि उनके साथ जो है कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि या तो वो फेंट हो जाते हैं खेलते खेलते, क्योंकि बच्चे तो भागा दौड़ी करते ही हैं ना, तो बच्चे फेंट हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं आने वाले टाइम में, अगर कुछ दिक्कत हुई है, जैसे बोझ उठाना और जो भी आपका रेगुलर थोड़ा बहुत होता है। अगर तो उन्होंने बोला अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, वही 2 से 10 साल के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कुछ भी होता है तो वो आई थिंक आपने ब्लॉग में देखा होगा, वो बता रही थी कि एक वायर डलती है और तो उसके वो होता है। और आज ना जाके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, पता है आज दिन से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। Thank you.
ऑल ऑफ यू। तो कल खाना बनाने के बाद मैं उठी नहीं थी, मेरा मन नहीं कर रहा था, और अब मैं थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ, थोड़ा सही फील कर रही हूँ। और कल सब्ज़ी आई थी, मैं सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई, अब मैं जाके फ्रिज में सब्ज़ी लगा रही हूँ। और मैंने कल ढोकला बना लिया था एक्स्ट्रा, और मैंने एक सब्ज़ी बना के रख दी थी दिन के लिए, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी डुगू सो रहा है, जैसे वो उठेगा उसकी मालिश उससे नहलाना है, और जिसके रेगुलर काम है वो करनी है। मेरे चाय चढ़ाई है, और अब मेरे को लगा कि मैं ब्लॉग को एंड करूँगी। मुझे ना कल एक चीज़ लगी थी, जिस टाइम डुगू मेरी गोदी में था तो हमेशा वो लेट के कर आता था, पर अब वो नहीं लेट रहा था क्योंकि बड़ा हो रहा है वो। आपको पता है एक वीडियो शेयर करी थी मैं आप लोगों के साथ, अगर मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हो तो अब से मई जून का टाइम रहा होगा, लाइक पिछले प्रीवियस ईयर, और वो हार्ट बीट की वीडियो थी। कल वही हार्ट बीट मेरी गोदी में थी, लाइक जब हो रहा था ना, मुझे एकदम से वो पीछे का फ्लैशबैक आया, पता नहीं एकदम से आया, जब डॉक्टर चेक करती थी लाइक सुनाती थी, और वो सोनोग्राफी में आती थी तेज तेज, और वही आवाज़ आ रही थी। अब मुझे लगा कि ये डेस्टिनी है या क्या है। मैंने दो तीन वीडियो चढ़ाई यूट्यूब में जो कि काफ़ी पॉजिटिवली मुझे दिमाग से और मन से किया, जिसने कि आपकी लाइफ में जो हो गया है ना वो हो गया, वो दोबारा से उसे ठीक नहीं किया जा सकता, पर उस चीज़ के लिए आप आगे चाहे वो पैसा सेव करके रखना चाहते हो, क्योंकि उसके लिए पैसा सेव करना बहुत ज़रूरी है। और डुगू के अपने हेल्थ इंश्योरेंस की बात भी करी थी कि उसको मिल जाए, पर अभी वो छोटा है, इतने छोटे बच्चे का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। तो जितना हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन आपको पहले से एक पता है तो उसके रिगार्डिंग सब कुछ पहले से रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आई इस पर रखनी पड़ेगी कि ओवर ज़्यादा बर्डन या वो ना ले। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि डुगू जो है वो क्रॉलिंग नहीं कर रहा है, तो डुगू अपना पीठ उठा रहा है, मैं उसे ना बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ कि ज़बरदस्ती बैठा, लाइक कहते ना बच्चे को एकदम से आप खड़ा कर दो और फिर चल, हाँ खड़ा हो रहा है वो, डुगू ने खड़ा होना शुरू किया। मेरे को पता नहीं लगता है कि वो क्रॉलिंग ना करके सीधा खड़ा ही होने वाला है, पता नहीं मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग होती है, क्योंकि वो क्रॉलिंग जो है ना पीठ उठाता है, पूरा बेड घूम लेता है वो, पर वो घुटना नहीं चलता, घुटने वाली क्रॉलिंग में, तो कमर से नहीं वो पेट के बल चलता है। तो मैं ना बच्चे को रिलैक्स रखना चाहती हूँ, उसके दांत नहीं आए हुए हैं इस टाइम तक, उसके सात दांत आ गए, सबका अलग अलग है, इसलिए वेट उसका सही है, मतलब उसकी ग्रोथ एकदम जो भी है ना, टच वर्ड सब कुछ सही है। मैं उसे बहुत प्रॉपरली फीड, लाइक उस पर मैं बहुत ध्यान देती हूँ, और ऐसा नहीं है कि इस कारण से देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि महीने में ये चीज़ मेरे दिमाग में एक दो बार आती है, क्योंकि मैं नहीं सोचती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं सोचती हूँ उस दिन मैं काफ़ी कमज़ोर हो जाती हूँ, जैसे जब स्कैन का टाइम रहता है उस बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा वीक रहती हूँ, तो जिस टाइम उसका स्कैन का टाइम रहता है उसके स्टार्टिंग के दो तीन दिन और बाद के जो दिन रहते हैं, पर इस बार मुझे लग रहा है कि मेरे जो दिन है वो मैं नहीं वो करूँगी, कि मैं नहीं सोच रही अब, ठीक है जो हो गया है वो हो गया है, मुझे सिर्फ स्ट्रांग बनना है, क्योंकि अगर मैं नहीं स्ट्रांग होंगी तो मेरे को पता है डुगू को बहुत स्ट्रांग बनाना है, मतलब अब मेरी लाइफ का ये एक मोटिव है कि मुझे डुगू को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, और एक रियलिटी है जो है। और आपको पता है डॉक्टर से कल मेरी बात हुई, हमने सोनोग्राफी वाले को ब्लेम करे थे, एनॉर्मली स्कैन में नहीं आता है ये, ठीक है, इकोकार्डियोग्राम एक स्कैन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है आई थिंक, ये स्कैन डॉक्टर ने मुझे बोला नहीं था, और बहुत से लोगों का नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर ऐसे नहीं बोलते, बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, आई थिंक हमें सुना नहीं होगा, लोग प्रेगनेंट होंगे नहीं होता। जब मैंने डॉक्टर से पूछा ये, एक्चुअली मैंने डॉक्टर से पता है जब मैं डॉक्टर से मिली हुई ना, ये वाली दो तीन बार मिली हुई हूँ, और ये जो डॉक्टर है ना ये कल मुझे इन्हें बहुत डराया है, सच में कल ये बहुत ज़्यादा मैं डर गई, क्या हुआ है, हमेशा से ऐसा होता था कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, कल शायद तो फिर पूछा, पता आपको ये मैं थर्ड टाइम डॉक्टर से पूछ रही थी, मुझे पता है पर डॉक्टर को याद नहीं रहते है, क्योंकि हम लोग तीन तीन महीने के गैप है, चार चार महीने के गैप है, इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था। डॉक्टर ने बोला ये प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं पता चलता है, लेकिन इसकी चांसेस बहुत कम होते हैं कि पता चल जाए, नहीं पता चलता है, क्योंकि माँ बाप अगर स्कैन करा रहे तो ये है, और बहुत सारे लोग जैसे मैंने आपको बताया था नहीं पता होता है, और मुझे पता कई बार लगता है क्यों पता चला, और फिर मुझे लगता है कि ठीक पता चल गया, चलो इसके उससे हम लोग कम से कम इसकी हेल्थ जो है वो देख तो पा रहे हैं, तो चलिए जो भी होता है यार,
बस मुझे स्ट्रांग रहना है। और कोई मैं देखिए आज के ब्लॉग में गए थे, पर मैंने कैमरा जो है ना वो तब उठाया जब मैं उसमें थी कि मैं बात कर पाऊँ। जब मेरे को पता है हॉस्पिटल में जब भी इसका स्कैन आता है मैं रोती। कल मैंने मास्क लगा के रखा था, मुझे आजू बाजू वाले लोग देख रहे थे, मेरी आंखों से ऐसे आंसू टपक रहे टपक रहे टपक रहे। मैं एकदम से ब्लैंक हो गई थी कि जितनी बार जब पता एक सिर्फ लाइन मैंने जब सुनी थी ना कि जितनी बार टाइट होगा उतनी बार खोलना पड़ेगा, मेरे को सिर्फ ये लगा कि वो पार्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इंसान के उसमें। और उस पर फिर उन्हें बोला था कि अगर खुल पाता है ना तो ऐसे खुलेगा, और फिर अगर नहीं खुल पाता तो क्या। ये जो लाइन मेरे दिमाग में आई थी ना उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि कोई मुझे मार दे, मैं मर जाना चाहती थी उस टाइम पे। उस टाइम पे मुझे वो फीलिंग आई थी कि काश मैं मर जाती, काश मुझे सब नहीं देखना पड़ता। तो उस टाइम मुझे ऐसी फीलिंग आई थी क्योंकि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो भी मेरे पास में है, जो भी मेरे पास में वो हमेशा मेरे पास में रहे। उस टाइम पे मुझे पता सा लगा था कि बस मुझे कोई मार दे। मैंने राजा को बोला कि बता मेरा मन ही नहीं है जीने का, मेरे को नहीं बोलना। फिर राजा ने मुझे बोला कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है तुम्हारा स्ट्रांग रहना, जो कि सही है। पर पता आपको मेरे को ना अंदर से उस टाइम ये फीलिंग आई थी, आई थिंक वो क्लिप मैं थोड़ी सी डालूंगी। तो डॉक्टर जब समझा रही थी कि अगर ऐसा होता है 2 से 10 साल के बीच में होता है, और उसके बाद कह रही थी वो 15 ईयर्स के बाद सर्जरी थोड़ी ईजी हो जाती है। 2 से 10 साल में बच्चा बहुत छोटा होता है ना, 15 साल के बाद सर्जरी जो है वो थोड़ी ईजी हो जाती है क्योंकि बॉडी थोड़ी डेवलप हो जाती है अकॉर्डिंग टू लाइक उसको झेलने के लिए। तो मैंने बोला मुझे कोई मार दे बस। मैं पता मेरे को उस टाइम पे बस ये लगा था मैं मर जाना चाहती हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं देखना है अपनी ज़िंदगी में, मेरे को कुछ नहीं देखना है। उस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कुछ नहीं देखना अपनी ज़िंदगी में, मैं मर जाऊँ बस। फिर मैं कर रही हूँ आप इस वीडियो को एंड, मुझे ना स्ट्रांग रहना है बस। मैं अब नहीं सोचूंगी क्योंकि मुझे डुगू के साथ हंसते खेलते रहना, इसलिए आज से सब मैं एक्साइट रखूँगी। नेक्स्ट ईयर अप्रैल की डेट है, कचरे वाली गाड़ी आई है। आपको याद है पहले मैं कितने अच्छे से गाती थी, याद है? आई थिंक मुझे प्रेगनेंट भी नहीं हुई थी तब, तो मैं गाती थी ना कचरे वाली गाड़ी आई कचरा निकाल, काफ़ी पैराडी वीडियो भी करती थी मैं। लाइक वो आई थी ना रसोड़े में, कौन था प्रैंक वीडियो, अरे यार आई थिंक फाइल नहीं है इसमें, ये तो शेल भी की रखी, फाइल वहाँ रखी हुई है क्या बोलते हैं कार में। और एक चीज़ और लगी थी पता है मुझे कल, मैं थोड़ी सी मन की बात आप लोगों से कर रही हूँ। मैंने जब ये वीडियो जब मैंने आप लोगों को बहुत स्टार्टिंग में बताया था इस बारे में, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था फेक बता रही है, बच्चे का अपने मन से बना रही है। बहुत सी चीज़ हुई थी, कॉमेंट्स आ रहे थे ठीक है इस बारे में कि मैं फेक कर रही हूँ, मतलब बच्चे का कुछ है ही नहीं है और मैंने अपने मन से बनाई। मुझे अब पता लगता है काश मैंने अपने मन से बनाई होती और मैं आज बोल रही होती कि मैंने फेक किया था, क्योंकि अगर मैंने वो फेक किया होता ना तो मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होता आज की डेट में, क्योंकि फिर मैं उस चीज़ को बोलती कि मैंने फेक किया था। और उसके बाद मुझे शायद बहुत गंदे कमेंट्स भी आते ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस दिन मैं बहुत खुश होती है अगर मैं बोलती कि ये फेक था, काश सब कुछ फेक होता। मुझे लग रहा था कल रात को यही लग रहा था कि काश ये सब फेक होता, जो बोल रहे हैं ना बोलते रहो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। क्योंकि पता क्या है लाइफ में आप कई बार इतनी सारी चीज़ें एक बार में देखते हो और चल रहे होते हो, तो अगर आपके बारे में कोई बोलता भी है ना कोई, तो वो बहुत ज़्यादा तुच्छ टाइप की चीज़ आपको लगती है कि हाँ ठीक है यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे शायद बहुत ही कम फ़र्क पड़ा है अगर मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स से कंपेयर करूँ तो अपने आप को। आई थिंक मैंने नेगेटिव कॉमेंट की वीडियो एक बनाई है 9 महीने में, वो भी कॉमेंट मैंने कोई डिस्कस नहीं किया था। हाँ एक डुगू के लिए बनाई थी जैसे मेरे पास डुगू के लिए आ रहे थे कि उसकी हेल्थ के लिए कि फेक, काश फेक होता पता है, मेडिकली फेक होता ना और मैं बहुत खुश होती। बेशक मुझे देखने वाले लोग मुझे आज की डेट में अब्यूज़ कर रहे होते या बहुत गंदा लिख रहे होते, पर मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता इतनी गाली खाने के बाद भी अगर ये फेक होता। तो चलिए ठीक है, मेरे को एक स्ट्रांग मदर बनना है और कहना आसान है पता है आपको, लगता है आप कहोगे है बहुत मुश्किल, पर बनेंगे एक स्ट्रांग मदर बनूंगी मैं डुगू की, ताकि डुगू को मैं एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग इंसान बना पाऊँ। और चलिए बाय।